लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में एनडीए को दूसरे नंबर पर ला दिया है। वहीं मुरादाबाद की नवनिर्वाचित सांसद रुचि वीरा सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को अपना नेता मानती है और यही कारण है कि वह सांसद बनने के बाद सबसे पहले रामपुर पहुंची, जहां पर उन्होंने आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा से उनकी आवास पर मुलाकात की और आजम खान के मुद्दे पर चर्चा भी की है। इसके अलावा उन्होंने रामपुर के नव निर्वाचित सांसद मौलाना मोहबुल्ला नदवी को आजम खान के मुद्दे पर नसीहत तक दे डाली है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान भले ही सीतापुर की जेल में बंद है, लेकिन उनका जलवा अभी भी बरकरार है। यही कारण है कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में अपनी करीबी रुचि वीरा को मुरादाबाद से पार्टी का टिकट दिलवाया था। आजम खान का फैसला सही साबित हुआ और रुचि वीरा बिजनौर की होने के बाद भी मुरादाबाद से निर्वाचित घोषित हुई। इस जीत के बाद रुचि वीरा ने आजम खान को अपना नेता बताने से जरा भी गुरेज नहीं किया। यही नहीं, सांसद चुनने के बाद वो रामपुर स्थित आजम खान के घर भी पहुंच गई, जहां पर उन्होंने उनकी पत्नी और परिवार से भी मुलाकात की है। मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा के मुताबिक वह आजम खान की वजह से ही चुनाव जीती है और उनकी जीत में अखिलेश यादव का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने आजम खान के आगे शुक्रिया शब्द को भी काफी छोटा बताया है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, सरपरस्त हैं और आज तक इन परिस्थितियों में जब वो इतनी दुश्वारियों के दौर से गुजर रहे हैं, तब भी उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझे टिकट दिलवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी मतलब डाली कि मैं इस इलाके में काम करूं। नव निर्वाचित सांसद रुचि वीरा ने आजम खान पर रामपुर के नव निर्वाचित सांसद मौलाना नदवी के तंज पर उन्हें ही नसीहत तक देने में कोई गुरेज नहीं किया।